कुंतल जी, अब मैं क्या करूं? दुनिया खत्म होने को जा रही है, मैं कैसे करूंगी जासूसी? बेसमेंट के अंदर जाओ और वहीं रहना, लेकिन अपने कान खोले रखना अमृत के लिए। अमृत हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सच में बिंदु सिद्धवानी के बेटे को अमृत से जिंदा कर देंगी? बेवकूफ समझा है मुझे। उसका बेटा कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। उसकी आत्मा जा चुकी है, तुम लोग बस ताकत ही दिखाना। अक्कल नाम की चिड़िया होती है, कभी कभी उसे भी दाना डाल दिया करो। बस एक बार वो बिंदु मेरे पास अमृत ले आए, तब तक के लिए हमें इस झूठ को जिंदा रखना होगा। और बिंदु? बस एक बार वो अमृत मेरे पास ले आए, उसके बाद मैं उसको उसके बेटे से मिलवा दूंगी। अब जीते जी तो बेचारी मिल नहीं सकती ना, तो उसको उसके पास ही पहुंचा दूंगी। ऊपर चलो, अब चलते हैं बेसमेंट पे। जब महादेव ने अटैक किया तो ये रिंग महादेव को छू गई। यही तो वो चाहता था, यही तो उसका प्लान था। एक तरह से महादेव का आशीर्वाद इस रिंग को मिल गया और ये रिंग सबसे शक्तिशाली बन गई। शुक्र ये नहीं जानता था कि रिंग उसके हाथ से छूट जाएगी। अब एक बार फिर शुक्र ने हाल इकट्ठा किया है और उसे एक नया वेपन बनाया है। वो जो ब्लैक होल की तरह दिख रहा है, उसने पृथ्वी पर फेंका है। लाल वो है जो एक भयानक तबाही ला सकता है। आप जानते हैं गुरुदेव कि आपने क्या कर दिया है? अब केवल पृथ्वी का ही विनाश नहीं होगा, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। हमारा भी सर्वनाश होगा। अब अगर हम ही नहीं रहे तो कैसी योजनाएं, कैसी विजय, कौन धारण करेगा उस अंगूठी को? क्या आपने सोचा भी है गुरुदेव? पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश होगा। अब अगर अंगूठी हमारी नहीं हो पाई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पिछली बार तो स्वयं महादेव ने विष धारण करके महाविनाश से हमें बचा लिया था, इस बार कौन बचाए? हम रोकेंगे उसे। जारा, ये जो मिशन है ये थोड़ा खतरनाक है, पहले से डिफरेंट है। इसमें ना तो एलियंस है, ना ही गुंडे, ना ही वो हेलुसिनेशन वाली गैस। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सबको सेफ रखूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरे पीछे मेरी फैमिली का ख्याल रखना सारा। वो मेरी भी तो फैमिली है ना वीर, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। यूरोप रसिया में ऑलरेडी एक काली पावर बॉल तबाही मचा चुकी है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस पावर बॉल्स की पावर्स एकदम ब्लैक होल जैसी है, और अब ये ब्लैक होल जान माल सभी की तबाही मचाते हुए पड़ोसी देश की तरफ बढ़ रहा है, और इसका अगला टारगेट होगा इंडिया। विश्व भर की सरकारें इस विकट शक्ति से बचने में अपनी असमर्थता जता रही हैं।
पापा ये अचानक से 20 मिनट क्यों दिखा रहा है? पता नहीं बेटा क्यों अचानक इसकी स्पीड बढ़ गई है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट है और बेटा एक ऐसी जगह ढूंढना जहां तुम्हें शहर और आसमान एक साथ दिखाई दे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका आकार और बढ़ता चला जाएगा और एक एक करके सारी चीजें इसमें समाती चली जाएंगी। सो टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड आई नो वीर यू कैन डू इट। अंकल कोई उम्मीद है? नहीं है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं और ये भी नहीं पता ये किस हद तक तबाही मचाएगा। अगर हम लोग की कोई उम्मीद है ना तो वो है हीरो और शिवाय। हमें अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखना होगा। सबसे पहले हमें इन लोगों को बचाना होगा इन्हें किसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा। उसके बाद इस हलाहाल का देखना है कि क्या करना है। वो ब्लैक होल जैसा गोला मुंबई के आसमान की ओर बढ़ चुका है और हमें लग रहा है कि इस तबाही में अब कोई भी नहीं बच सकेगा। जहर को काटने वाली सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? अमृत। अच्छा तो मतलब हलाहल जो है वो समुद्र मंथन के टाइम पे बना था तो मतलब शुक्राचार्य टाइम ट्रैवल करके गया था। शुक्र अपनी पावर्स यूज करना जानता है। उसे अलग अलग मानवंतरों में आना जाना बखूबी आता है। माना कि हमें अमृत की जरूरत है तो हम कैसे लेने जाएंगे? शायद हम अमृत यहीं ढूंढ लें पृथ्वी पर बिना टाइम ट्रैवल किए। पृथ्वी पर अमृत? समुद्र मंथन के समय अमृत कुंभ में से धरती पर चार जगह पर गिरा था। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्रिंबक नाशिक। जब मैं दंश था तो शुक्र ने मुझे उस सीक्रेट कोड के बारे में बताया था। उसके मुताबिक आज भी उसमें अमृत के कुछ अंश मौजूद हैं। मगर पापा अभी ये जो असुर लोग हैं इन लोगों को तो समुद्र मंथन के टाइम से अमृत चाहिए था। अगर शुक्राचार्य को कुंड के बारे में पता था तो उसने अब तक लिया क्यों नहीं? असुरी बुद्धि, उसकी बुद्धि सिर्फ उस अंगूठी के पीछे पड़ी रहती है। चलो 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 जल्दी चलो सारे लोग जितने जल्दी स्पॉट पे पहुंच सकते हो उतने जल्दी पहुंचो। अगर अमृत मिल जाता है तो हम हलाल का तोड़ निकाल लेंगे और शायद शिवाय की शक्तियां भी वापस लौट आए। हीरो, हीरो, तुम आ गए। हम सब लोगों की हेल्प कर सकते हैं लेकिन उन सबको बचाना तुम्हें ही पड़ेगा। प्लीज हमको बचाओ। शिव शंकर, अगर लोकेशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। तुम सही सोच रहे हो अमल। अगर किसी को इस कुंड के बारे में पता चलता तो अब तक इसका दुरुपयोग हो चुका होता। लेकिन मेरा पंथ दुरुपयोग नहीं करता। तुम सबको उस कुंड के बारे में जानने का पूरा हक है क्योंकि तुम मेरा वीर, तुम सब धर्म के साथ हो, सच्चाई के साथ हो। लेकिन मैं डायरेक्टली उसका पता नहीं बता सकती अमल। तुम्हारे पास है अमल, जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है।
अंकल, अंकल ये देखिए। ये तुम्हें कहाँ मिला? तुरंत निकलना होगा, तैयारी करो जल्दी। ये क्या कर दिया गुरुदेव आपने? ये हलाहल पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश कर देगा। तैयारी करो अंतरिक्ष में, जितना दूर जा सकते हम जाएंगे और स्वयं के लिए समय बचा पाएंगे और स्वयं के लिए निर्णय भी ले पाएंगे कि करना क्या है, क्योंकि यहाँ हमारी मृत्यु निश्चित है। हाँ जीजा जी, ये तो बताइए कि आप हैं कहाँ और आपका प्लान क्या है? वीर शिवाय का तो समझ में आता है, लेकिन आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? अब बिंदु, जो हलाहल है उसका तोड़ हमें मिल गया है। हलाहल? हाँ, अब वो जो ब्लैक होल की तरह बाहर मंडरा रहा है वो हलाहल है। उसका हल है अमृत। अब हम फैमिली हैं आपकी, हमें टेंशन है आपकी। एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। पापा सब पैक कर लिया है हमने। अरे मामी जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो वाटर शेड है ना, सप्तशृंगी पहाड़ी नासिक के पास, हम लोग वहां जा रहे हैं। हमें बच्चों को बचाना पड़ेगा, आ जाओ। शिवाय तू बच्चों को बचा। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? घबराओ मत, हीरो है ना? पर आप बोलो। मैं हूँ हीरो का दोस्त शिवाय। चलो अभी हमें यहाँ से निकलना है, ठीक है? चलो परिवार वाले अमृत लेने जा रहे हैं। वो सप्तशृंगी पहाड़ी है ना नासिक के पास, बस उसी के वाटरशेड में। बहुत बढ़िया बिंदु, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब बस कैसे भी करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करना। हम लोग अभी जाकर वो अमृत लेकर आते हैं, ठीक है? सुनिए तो, आपको जब वो अमृत मिल जाएगा तो आप मेरी रॉकी को फिर से जिंदा कर देंगे ना? अरे ये सब तुम्हारे रॉकी को बचाने के लिए तो कर रही हूँ। देखो एक बार अमृत मिल गया तो तुम्हारा रॉकी भी बच जाएगा ना। देखो तुम्हारी फैमिली में से जो भी गया है ना, उस सबकी फोटो मुझे भेज दो। वो क्या है ना, उनके पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ अमृत लेने के लिए, तो भेज देना मुझे। भेजती हूँ, थैंक यू सो मच। स्वीटी मेरी, प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लोग ये वीडियो वीर को जरूर दिखाओगी। जस्ट इन केस वो इस मिशन से मुझसे पहले पहुंच गया तो मैं चाहती हूँ मुझसे मिलने से पहले उसको सब कुछ बताओ, प्लीज। आप दोनों घर जल्दी वापस आ जाओगे, वो भी एक दूसरे के साथ। बेस्ट ऑफ लक जारा। वीर, तेरी अंगूठी वो हमें कहीं पे भी ले जा सकती है। मेरी अंगूठी, मुझे वहां पहुंचा दो जहां हमें होना चाहिए। दुश्मन की ताकत टूटी, मदद करो अंगूठी। तुम घर आओगे? हाँ बिंदु, टेंशन मत लेना प्लीज।
ये तो समुद्र मंथन है शिवाय। शुक्राचार्य उनके तीन असुर, वो लोग रियल नहीं, वो उनकी आत्मा एस्ट्रल फॉर्म में है। वो शुक्राचार्य भी समय में पीछे लौटा है, उसका असली शरीर अभी भी ब्रह्मलोक में है। वीर, शुक्राचार्य यहाँ पर हलाहल लेने आया था ताकि वो ब्लैक होल जैसे सिचुएशन को पैदा कर पाए। मेरे पास एक सोल्यूशन है वीर, ध्यान से समझ। शुक्राचार्य का ये जो हथियार है ना, इसने हमें मौका दिया इसे हराने का। हम उस समय में वापस लौटे हैं जिस समय शुक्राचार्य हलाहल लेने आ जाता है। अगर हमने उसे हलाहल लेने से रोक लिया तो वो हलाहल का ब्लैक होल यूनिवर्स में छोड़ ही नहीं पाएगा और हमारा अर्थ बच जाएगा। पापा, ये तो कोई जादुई पेपर है, देखो ये पूरा मैप बना के दे रही है। ये हो कैसे रहा है? अपनी फैमिली की रक्षा के लिए मुझे इनके आसपास रहना ही होगा। हे भगवान, मेरे वीर पर अपनी कृपा बनाए रख, वीर पर अपनी कृपा बनाए रख। वीर, शुक्राचार्य हलाहल की बूंदों को पकड़ने जाएगा, यही मौका इसे रोकने का। शिव शंकर का नाम लेकर इस मैप को फॉलो करते हैं। हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा शिवाय, पता नहीं वहां उस ब्लैक होल ने कितनी तबाही मचा दी होगी। अब जो करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। वो रहा हलाल, इसी मिट्टी से हमें हलाल की बूंदें मिलेंगी। खनिज के साथ मिलकर हलाहल ने एक ऐसा दांतु बनाया है जो सर्वशक्तिशाली से भी अधिक शक्ति रखता है। इसका कोई तोड़ नहीं। अब मिट्टी में से हलाहल निकलेगा। क्या हो रहा है? वो बोट देख रहे हो? उसके पास जो कटा हुआ पेड़ है, उस पेड़ पर एक स्टैंप है जो आज भी वही है, वो देखो। हाँ। बंटू, चलो। दादी, दादी बचाओ, दादी, कोई बचाओ मेरे पोते को, दादी बचाओ।
अरे कहाँ जा रही है स्वीटी? स्वीटी अगर इसे छुआ भी तो उसके ठीक ऊपर होगा कुंड। आप लोगों का धन्यवाद, आपने हमारी यात्रा आसान कर दी। क्या चाहिए आप लोगों को? जीवन का अमृत और क्या, जो तुम लोग हमें लगभग पहले ही दे चुके हो। यहाँ तक लाकर हमें शायद आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमें अमृत चाहिए क्योंकि हम लोगों की जान बचाना चाहते हैं। तुम टेंशन मत लो, हम बचा लेंगे, पर तुम लोगों को अब मरना पड़ेगा। बंटू जरा ऊपर जाओ। अंकल। पापा। तुम्हें अमृत लेना है, जाओ ऊपर। ये मैप पकड़ो। पकड़ो। बंटू जरा संभल कर। ये। साइंटिस्ट बनने से पहले मैं एक बॉक्सर था। स्वीटी, रस्सी पकड़ो। कैच। हाँ आजा। हाँ हाँ आजा, आइए आइए। सुनो, ये क्या हो गया? चलो सारा चलो। वीर, अब जा। शुक्राचार्य को हीरो का प्रणाम। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आप इस हलहल को पृथ्वी की तरफ नहीं फेंक पाएंगे। काफी दुख की बात है आपके लिए, हमारे लिए नहीं। क्योंकि हीरो आ गया है। अब ये हलहल तुम्हारा हाल खराब करेगा शुक्राचार्य। ये सब कैसे संध्या? ये शक्तियां, ये पावर्स, ये कैसे? हजारों सवाल है मेरे मन में। कहां थी तुम? कैसे बची? क्या हुआ? और मुझे बहुत कुछ बताना भी है। संध्या, अपना वीर है ना, वो हीरो बन गया है। उसके पास वो रिंग है जो जिसे मैं खोज रहा था। और स्वीटी मिठी, वो दोनों बहुत प्यारी हैं। और मैं तंश, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जानती हूँ? अमल, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें वो अमृत लेना है, जल्दी। अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। हमें तुम्हारी जरूरत है, परिवार को जरूरत है। मुझे भी तुम सबकी जरूरत है अमल, लेकिन जरूरतों को मारना पड़ेगा ताकि परिवार को बचाया जा सके। और मेरे पास जितनी भी शक्तियां हैं उन सबसे तुम सबको बचाना है, लोगों को बचाना है। लेकिन मैं हमेशा मौजूद रहूंगी आसपास, लेकिन साथ नहीं आ सकती अमल। यूं वीर, बहुत कठिन है ना ये। बस ये हलाल है,
सरल नहीं है इसे संभालना। शुक्राचार्य, इस बार हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। मेरे शिवा, सुना है तुम्हारी सारी शक्तियां चली गई हैं। अमल नंदा को जीवित करने में इतना बड़ा दंड अपने सर ले बैठे। अमृत का मोती? अब तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है, किसी के भी वश में कुछ भी नहीं है। अब कोई भी हलाल को नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हलाल को मैं पृथ्वी की ओर भेज के रहूंगा। याद रखना, हम मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन तू भी बचेगा नहीं, क्योंकि ये हलाहल सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगा, जिसमें हम भी हैं और तुम भी हो। तुम्हारी मृत्यु हो तो हो, परंतु तुम्हारी विजय नहीं हुई, इसी में हमारी विजय है। तुम यहां अमृत लेने आए हो ना? पर ध्यान रहे, अमर होने की कीमत मौत से चुकानी पड़ती है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे अंत के करीब ले जाएगा। I'm sorry, papa. बेटा, बंटू, बंटू छोड़ दो बेटा, देर हो रही है, जिद मत करो, छोड़ो, है, छोड़ो। वीर, 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 हट जा वीर। मैं नहीं छोड़ूंगा शिवाय, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ये मुझे ही करना होगा। ज़ारा, 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 ज़ारा। वीर बेटा, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.